हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास फ्रॉम टारगेट। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 कर लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दैट इज 5.3। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको एक फॉर्मूला जानना होगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ और इस फॉर्मूले के पीछे की क्या कहानी है। देखिए, इसके पीछे एक कहानी है। एक जर्मन में एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था कार्ल गॉस। ठीक है, जर्मन में एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था कार्ल गॉस। तो कार्ल गॉस जब स्टूडेंट थे और वे जब अपने क्लास में पढ़ते थे, है ना, तो उनके क्लास में एक बार उनके मैथ्स टीचर ने उनको उनके क्लास के सभी स्टूडेंट को, लगभग सभी स्टूडेंट को बोला गया कि आपको नेचुरल नंबर 1 to 100 तक को सम करना है। यानी 1 + 2 + 3 इस तरह से उनको बोला गया था कि इसको आप सम करके दिखाइए, 1 + 2 + 3 + इस तरह से इनको अप टू 100 तक क्लास के सब स्टूडेंट को कहा गया कि इसको आप सम करिए। टीचर को लगा कि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, स्टूडेंट लोग सम करेंगे, चलिए तब तक रिलैक्स करते हैं, और टीचर आराम से रिलैक्स करने लगा। बट जैसे ही ये क्वेश्चन मिला, कार्ल गॉस ने कुछ ही सेकंड्स में इनको करके सबमिट कर दिया। टीचर को काफ़ी आश्चर्य हुआ कि इतना हार्ड कैलकुलेशन, यानी कि 1 + 2 आप ऐड करेंगे तो 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5, इस तरह से आप ऐड करते जाइए। ठीक है, तो जब आप इस तरह से ऐड करते जाएंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। बट कार्ल गॉस ने एक मेथड का यूज किया और इसको काफ़ी इजीली सॉल्व कर लिया। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि उसने कैसे सॉल्व किया और उस मेथड को यूज करके हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसी आज जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे वो इसी पर बेस्ड होगा। आज जो हमें फॉर्मूला पढ़ना है वो है SN=(n/2)2a + n-1d, और इस फॉर्मूला के हेल्प से आप एक्सरसाइज 5.3 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये पहले जानते हैं कि कार्ल गॉस ने इसको कैसे सॉल्व किया था। देखिए, उसे दिया गया था 1 + 2 + 3, ये सब आप जानते हैं कि आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं अप टू 100 तक। तो कार्ल गॉस ने क्या किया, इसी सीरीज़ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। सीरीज़ को अगर आप रिवर्स ऑर्डर में भी लिखेंगे तो सम तो चेंज नहीं होगा। तो उसने क्या किया, इसको देखिए रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, दैट इज़ 100 + 99 + 98 एंड सो ऑन, और यहाँ पर हो गया 1। अब उसने क्या किया, इस दोनों को ऐड कर दिया। इसको आप ऐड कर लीजिए, देखिए अगर इसको हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 101। अगेन इसको ऐड करिए, 101। इसको ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 101। ठीक है, और इस तरह से यहाँ भी आप ऐड करिए, कितना हो जाएगा, देखिए 100 + 1 दैट इज़ 101। तो 101 हमारे पास कितने टाइम्स है, 100 टाइम्स है, आपको पता है, क्योंकि देखिए हमने कहाँ से कहाँ तक लिया है, 1 से 100 तक। तो 100 टाइम्स हमारे पास 101 है। बट यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो 101 है, अगर इसको हम सम कर भी लेते हैं 101 100 टाइम्स, तो ये तो हमने दो बार ऐड कर दिया, लेकिन उसके टीचर ने तो उसे एक बार ऐड करने बोला गया था। तो यहाँ आप देख पा रहे कि जो सम हुआ वो क्या होगा, तो यहाँ जो सम होगा हमारा 101 100 टाइम्स है, और इसको हम डिवाइड बाय अगर 2 कर दें, ठीक है, इसको अगर डिवाइड बाय 2 कर दें, ऐसा मैंने नहीं, कार्ल गॉस ने किया था। यहाँ पर डिवाइड बाय 2 क्यों किया गया, क्योंकि 1 से 100 तक उसे ऐड करने कहा गया था, लेकिन उसने तो दो बार ऐड कर दिया, इसलिए डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो उसको 1 से 100 तक का सम मिल जाएगा, आपने समझा। तो इसलिए उसने डिवाइड बाय 2 कर लिया, और कितनी ईजिली, देखिए इसको आप सॉल्व अप कर सकते हैं ना, इसको इंटू कर दीजिए, देखिए 5 1 = 5 0, 5 1 = 5 0 हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी नेचुरल नंबर अगर स्टार्ट हो रहा 1 से, तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और आंसर बता सकते हैं। तो इस तरह से कार्ल गॉस ने किया। अब इसी मेथड का यूज करके आज जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उस फॉर्मूला में भी इस मेथड का हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है और फॉर्मूला को कैसे डिराइव करें। अब हम देखेंगे कि कैसे हम लोग एन टर्म्स के सम को फाइंड आउट करते हैं, यानी आज हम लोग डिस्कस करेंगे SN=(n/2)2a + n-1d, और इस फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए। जैसा कि आप जानते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म को आप ए या ए वन लिखते हैं, तो हमने लेट कर लिया, लेट द फर्स्ट टर्म भी ए। कॉमन डिफरेंस दैट इज डी, कॉमन डिफरेंस को हमने डी लेट कर लिया। लास्ट टर्म दैट इज ए एन, तो देखिए लास्ट टर्म इक्वल टू ए एन, इसको आप एल भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए, आप जानते हैं कि ए एन दैट इज एल, और ये हमने पढ़ा है ना, ए प्लस एन माइनस वन डी, तो इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 लेट कर लिया। अब आप देखिए, आपने जब भी AP बनाया होगा, AP को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए a + d a + 2d, है ना, इस फॉर्म में हम लोग AP लिखते हैं हमेशा। अब अगर आपको बोला जाए कि इस AP को हमको सम करना है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP, अगर आपको इस AP का आपको सम करना हो तो आप क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको आप ऐड कर दीजिए, तो a + a + d + a + 2d एंड सो ऑन, इस तरह से हम ऐड करते जाएंगे ना। तो ऐड करते करते हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को हमने क्या लेट किया अभी, एल, तो हम लोग लास्ट टर्म दैट इज एल लिख सकते हैं यहाँ पर, कि ये हमारा हो गया लास्ट टर्म।
अब आप ध्यान दीजिए, लास्ट टर्म के जस्ट प्रीवियस टर्म क्या होगा? तो देखिए, यहां से हमने स्टार्ट किया था a, नेक्स्ट टर्म a प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन। तो अगर लास्ट टर्म l है तो पहले हम d ऐड करते जाते थे, इसमें क्या करेंगे हम लोग d सबट्रैक्ट करते जाएंगे, तो इसका प्रीवियस टर्म क्या हो जाएगा l माइनस डी। ये क्लियर है आपको? इससे प्रीवियस टर्म क्या होगा तो l माइनस टू डी। ये आपने समझा? इसी तरह से अगर इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख लें, और एक चीज़ देखिएगा कि जब हम लोग सम करेंगे तो सम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे इसको sn। यहाँ हमने लिख लिया क्या sn, और इसी सीरीज़ को एक बार हम रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। जैसा आपने देखा था कि कार्ल गॉस ने किया था कि उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया, इसको भी हम लोग रिवर्स ऑर्डर में एक बार लिख लेते हैं। देखिए, तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो सम तो चेंज नहीं होगा, है ना? रिवर्स ऑर्डर में लिखने से सीरीज का सम जो है वो चेंज नहीं होगा। इसको एक बार रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए। देखिए, एल प्लस नेक्स्ट क्या हमारा एल माइनस डी प्लस एल माइनस टू डी एंड सो ऑन। और इसी तरह से क्या बच जाएगा अब हमारे पास, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, ए प्लस टू डी, ए प्लस डी एंड ए। ये आपने समझा? अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर लीजिए, ठीक है? इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो देखिए, जब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताइए? तो यहाँ देखिए, sn प्लस sn, इसको आप लिख सकते हैं ना 2sn। यहाँ आप ध्यान दीजिए, a प्लस l, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस l। सिमिलरली यहाँ देखिए, d d कैंसिल, आपका कैंसिल कर सकते हैं d को, क्या बच जाएगा हमारे पास अगेन a प्लस l। तो यहाँ भी हमने लिख लिया a प्लस l। सिमिलरली आप यहाँ देख पा रहे हैं 2d एंड 2d कैंसिल, क्या बचा हमारे पास अगेन a प्लस l एंड a प्लस l। इस तरह से हमारा a प्लस l आते जाएगा। यहाँ भी आप देखिए, 2d कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा a प्लस l। यहाँ भी आप देखें, यहाँ भी हमें मिला a प्लस l एंड a प्लस l। तो a प्लस l हमारे पास कितनी टाइम्स है, n टाइम्स। क्यों? क्योंकि हमने कितना माना है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या है, n है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना कि a प्लस l कितने टाइम्स है हमारे पास, n टाइम्स। तो आप n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 2sn, तो n टाइम्स कितना है a प्लस l। ये आपने समझा? एक बार फिर से देखिए कि a प्लस l, a प्लस l, a प्लस s अप टू कहाँ तक है, n टर्म्स तक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना n टाइम्स ऑफ दिस वन, जैसे कार्ल गॉस ने किया था ना 100 टाइम्स ऑफ दिस वन। तो यहाँ हमने कर लिया n टाइम्स ऑफ दिस वन। अब हम क्या करेंगे देखिए, यहाँ से sn इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, n बाई टू, ये टू हमने बाई में लिया है, और क्या बचा हमारे पास a प्लस l। एक ये भी एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला का भी यूज करके हम लोग काफ़ी सम को सॉल्व करेंगे, इसलिए याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला का अगर और एक बार हम लोग लिखना चाहें, देखिए l, l क्या है हमारे पास, यहाँ देखिए आपके पास l क्या था, आपके पास l था ना हमारे पास a प्लस n माइनस वन डी। तो l के प्लेस में हम लोग क्या लिख लेंगे, a प्लस n माइनस वन डी। तो इसको एक बार और लिख लेते हैं, देखिए sn इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, n बाई टू, टू ए प्लस, टू ए कैसे होगा देखिए a, अच्छा इसको हम पूरी तरह से लिख लेते हैं पहले। देखिए a हमने लिख लिया यहाँ पर, एक लाइन और हमें बनाना पड़ेगा, l के प्लेस में हमने क्या लिख लिया दिस वन, a प्लस एन माइनस वन डी। ये आपने समझा? ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन वन, तो आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम वन। अब आप इसको एक बार और रीराइट करिए, देखिए sn इक्वल टू n बाई टू, ए प्लस ए कितना हो जाएगा, a प्लस ए दैट इज टू ए एन माइनस वन डी। तो ये आपने समझा, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया ना। तो आपने दो फॉर्मूला समझा, sn इक्वल टू n बाई टू, ए प्लस एल, अगर आपको लास्ट टर्म गिवेन हो तो आप इस फॉर्मूला यूज कर लीजिए, और अगर आपको लास्ट टर्म ना गिवेन हो तो sn इक्वल टू n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो आई होप कि इस फॉर्मूला आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अभी तक आपने दो ही फॉर्मूला पर डिस्कस किया है पूरे अरिथमेटिक सीरीज में, ठीक है? यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने अभी तक सिर्फ दो फॉर्मूला पर डिस्कस किया है। इस दो फॉर्मूला को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको आप ध्यान से समझिए। फर्स्ट आपने क्या पढ़ा था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, जिस पर 5.1 और 5.2 ये दोनों एक्सरसाइज इस फॉर्मूला पर बन जाएगा। थर्ड में आपने एक्सरसाइज 5.3 में हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे ना, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। या फिर आप इस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। तो आई होप कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको सिर्फ इतना समझना है कि हमारे पास सीरीज कैसे आप फॉर्म करेंगे। तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, इस तरह से हमने लिख लिया। पहले इसको हमने एक बार ऐड कर लिया, फिर रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर लिया। तो काफ़ी सिंपल वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी का यूज करते हुए अब हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज 5.3। आई होप अगर इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आपको इस एक्सरसाइज को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और सम के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।